अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ भाई, हो सकता है आप थोड़ा शॉक हो जाओगे उसको सुन के। सो हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ निशान। तो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं मेरे संस्कार राइड के खर्चे के बारे में। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि भाई कितना खर्चा हुआ। करीब 11-12 दिन की राइड थी तो अच्छा खासा खर्चा हुआ होगा। तो जो मैं अमाउंट अभी आपको बताने वाला हूँ उसको सुन के आप थोड़ा शॉक हो जाओगे कि मैंने इतना पैसा कैसे खर्च कर दिया, मैं कैसे इतना लापरवाह हो सकता हूँ। अभी बताते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले जो है अपने थोड़े काम निपटा लेते हैं। और गब्बर जो है बाहर जाके शैतानियां कर रहा है, तो उसको पहले पकड़ के लाता हूँ मैं। क्या कर रहा हूँ गब्बर? गब्बर कहीं नजर नहीं आ रहा है, घर के अंदर बहुत शांति है, मतलब कोई शैतानी चल रही है। जल्दी आ, जल्दी वहां से हटो। बहुत ही ज्यादा ढीठ है ये, आ नहीं रहा है। अभी मैं बोलूंगा ना मैं जा रहा हूँ तो आ जाएगा। गब्बर मैं जा रहा हूँ बाय। तो मुझे ऐसा लगता है कोई शैतानी नहीं हो रही है, वो वेट कर रहा है मम्मी पापा के आने का। मम्मी पापा घर पे नहीं होते ना तो ऐसे ही करता है, और अभी आ गया है। मेरी गर्दन जो है लॉक हो चुकी है, पता नहीं क्या हो गया, मूड नहीं रही है, अटक गई। खाली बैठे हुए तो यार थोड़ा सोचा कि कमेंट्स के रिप्लाई ही दे दूं। एक भाई का कमेंट आया है, भाई परफॉर्मेंस कैसा है एक्सपर्स का? आई एम थिंकिंग टू बाय इट फॉर लॉन्ग राइड, प्लीज सजेस्ट। भाई लॉन्ग राइड पे डिपेंड करता है कि आपकी लॉन्ग राइड कैसी है, कि आपको कहाँ जाना है। अगर हाईवेज पे राइड करोगे तो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल आपको फील हो सकती है, क्योंकि मुझे हुई थी। मैं पहले चलाता था एवेंजर, और एवेंजर है सोफा। अगर आप हाईवे पे चला रहे हो तो बिल्कुल सोफा वाली फीलिंग आती है उसमें। उसके बाद अगर आप एक्सपर्स चलाओगे ना तो आपको थोड़ी अनकंफर्टेबल लगेगी, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम राइड करने वाले हो तो मेरे को नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि मैंने एक्सपर्स पे बहुत लंबी लंबी राइड्स कर ली है ऑलरेडी। सीट कुशन लगा लेना। वैसे आप लोगों के कमेंट बहुत सारे आते हैं, तो जिनको देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है। आपने जो है लाइफस्टाइल व्लॉग्स पे भी थोड़े बहुत कमेंट्स किए हैं, जिसके मैंने रिप्लाई देने की कोशिश की है, लेकिन व्यूज नहीं आ रहे भाई। व्यूज चाहिए मुझे, व्यूज चाहिए। मैं सारे दिन तो यार कैंपिंग कर नहीं सकता, हर टाइम मैं बाहर रह नहीं सकता, आई एम फैमिली मैन। अपनी जो है थोड़ी हेल्थ इश्यूज भी चल रहे हैं। अभी मैं ट्रिप पे जो गया था उस पर जितना खर्चा हुआ है ना, उतना भी रिटर्न में नहीं आया है अभी यूट्यूब से। तो बताता हूँ, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। ऐसे थोड़ा बिल्डअप करना पड़ता है, क्योंकि क्या है ना कि तभी आप एंड तक देखोगे। वैसे तो आप स्किप करके सीधे एंड पे भी जा सकते हो, लेकिन बताता हूँ अभी। देखो भाई, एक भाई का कमेंट आया, अब कहाँ जाने का प्लान है निशांत भाई? देखो मैं कहीं ना कहीं जाने की तैयारी में हमेशा लगा रहता हूँ, लेकिन सबसे पहली चीज़ जो है, इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, वो है पैसा। तो पैसा बहुत ज़रूरी है, और पैसा तभी आता है जब व्यूज़ आते हैं, और व्यूज़ नहीं आते तो पैसा नहीं आता, पैसा नहीं आता तो वीडियोस बननी मुश्किल हो जाती है। भाई टकला लुक सूट नहीं कर रहा। विपिन भाई का कमेंट है, भाभी को पनीर की भुर्जी बना के खिला दो, ज़्यादा मेहनत नहीं है उसमें, जितना कैंपिंग में करते हो उतना ही करना है। जिसमें ज़्यादा मेहनत नहीं होती ना उसकी ज़्यादा वैल्यू भी नहीं होती भाई, सच्चाई है जीवन की। इसलिए जो घर के वीडियोस होते हैं उन पे व्यूज नहीं आते हैं, क्योंकि उसमें लगता है लोगों को ज्यादा मेहनत नहीं है। लेकिन घर के अंदर कंटेंट बनाने में सबसे ज्यादा मेहनत होती है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि क्या बनाए जिससे आप लोग एंटरटेन हो। मनीष भाई का कमेंट आया कि भाई अब घर में कैंपिंग कर लो, लेकिन वीडियो डेली। घर में कैंपिंग क्या करूं भाई, छत पर टेंट लगा के कितनी बार दिखाओ यार। पहले आपने बहुत प्यार दिया, बहुत व्यूज दिए छत पर टेंट लगाने वाले वीडियोस पे, लेकिन अब मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं पहाड़ों पे जाकर टेंट लगा रहा हूँ, वहां पे व्यूज नहीं आ रहे, छत पे क्या व्यूज आएंगे घंटा। तो ये कुछ कमेंट्स थे, और भी बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, अच्छे भी आए हैं, कुछ बुरे भी आए हैं। बुरे कमेंट्स के बारे में किसी और दिन बात करेंगे, क्योंकि आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, तो मैं अच्छी अच्छी बातें करना चाहता हूँ सिर्फ। और अब बताता हूँ मेरा जो है ट्रिप का खर्चा कितना हुआ। जंस्कार राइड पे मैं गया था महेश भाई के साथ, हम लोगों ने किया टोटल कैंपिंग। सिर्फ 3 दिन हम लोग रूम में रुके थे, 1 दिन रुके थे होटल हिल साइड व्यू में, जो कि हमारा स्टे था स्पॉन्सर्ड, जो कि अजय भाई ने हमें स्पॉन्सर किया था, उसके लिए होटल हिल साइड व्यू वालों का थैंक यू, अजय भाई का थैंक यू। और बाकी 2 दिन हम रुके थे पदुम में, जहाँ पे हमारे लगे थे 1000-1000 रुपए, मतलब 2000 रुपए लगे थे 2 लोगों के 2 दिन के। तो टोटल खर्चा मैं आपको बताता हूँ, पेट्रोल का, रहने का, खाने का, सारा मिला के मेरा जो हुआ है वो है, देखता हूँ पहले मैं टोटल। वापस ही नहीं आ गए। तो अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ भाई, हो सकता है आप थोड़ा शॉक हो जाओगे उसको सुन के। तो हमारा जो 10-11 दिन की ट्रिप थी, उसमें टोटल खर्चा हुआ है, वो हुआ है पर पर्सन 2087 रुपये। 2087 रुपये सिर्फ खर्च हुए हैं। हाँ, इसमें पेट्रोल के पैसे नहीं है इंक्लूड, लेकिन जो रहने और खाने का खर्चा है वो 2087 रुपये है पर पर्सन। मतलब इसके अंदर वो 2000 रुपये भी ऐड है जो हम पदुम में रुके थे रूम लेकर। दोनों का हुआ था करीब 4200 रुपये, मतलब कोई ज़्यादा नहीं है भाई। 4200 रुपये में 10 दिन का खर्चा है हमारा रहने खाने का, और पेट्रोल लगा है मेरा करीब 4500 या 5000 रुपये, करीब 7500-8000 रुपये के अंदर ये मेरी पूरी ट्रिप हो गई थी। आप देख ही सकते हो यार कि कितना कम खर्चे में मैं जंस्कार होकर आ गया।
7-8 हज़ार रुपये लगे बस। और ये होता है कैंपिंग का फ़ायदा। हमने करा कैंप, हमने बनाई रोटियां, और सारी मेहनत जो थी वो पैसे बचाने के लिए थी, क्योंकि ये सुपर बजट ट्रिप थी और पैसे की बहुत ज़्यादा कमी हो रखी है, तंगी हो रखी है, इसलिए जो है मैंने बजट ट्रिप करी थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम भाई ये है कि मैं रहता हूँ दिल्ली में, और दिल्ली से कहीं भी कैंपिंग करने के लिए जाना है तो करीब 300-400 किलोमीटर या 500 किलोमीटर के लिए हमको जाना पड़ता है, और उसके बाद हम कोई कैंपिंग वीडियो बना पाते हैं। मेरा घर पहाड़ों में होता तो मैं भी घर के आसपास कहीं भी टेंट लगा के वीडियोस बनाकर जो है अपना काम चला लेता, लेकिन मेरा काम नहीं चल सकता, मुझे बहुत खर्चा करना पड़ता है यार, तो इसलिए ज़्यादा वीडियोस नहीं आ पाती है, इसलिए मैं ज़्यादा कैंपिंग नहीं कर पाता हूँ। और बहुत सारे लोगों ने ये भी कमेंट किए थे कि भाई आप जो है सेम चीज़ें करते हो कैंपिंग में, भाई पूरा दिन राइड करने के बाद टेंट लगाओ, रोटी बनाओ, वो सब चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं। मैं भी चाहूँ तो मैं भी मनाली में रुक जाऊँ और 15 दिन मनाली में रुक के मनाली के आसपास के एरिया में सब जगह टेंट लगा के कैंप करके वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप नई नई जगह देखें, नए नए रास्ते देखें, तो इसलिए मैं थोड़ा अलग अलग लोकेशन जाता हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं इस तरह से करूँ कि मैं एक जगह रुक कर वहीं पे आसपास 10-15 दिन कैंप करूँ या एक हफ्ता कैंप करूँ, तो मैं वो भी कर सकता हूँ, तो कमेंट में ज़रूर बताना अगर आपको ऐसा लगता है तो। अभी लग रही है मुझे गर्मी, तो अब चलेगा AC। गबर गबर सीट, ये देखो शैतानिया, ये देखो शैतानिया तेरी, ऐसी तैसी पकड़ो उसको, पकड़ो तेरी काट करो, पकड़ो। झांका था कि शुरू हो गई तुम्हारी है, ऐसे खड़ा हो जाएगा और झांकता रहेगा पड़ोस में। इसको प्यास लग रही है, देखो उसकी जीव लटक रही है ना, इसको लग रही है प्यास। हम पिलाते हैं पानी, देखो अपने आप गया पानी के लिए, इसमें पानी दे दो मुझे। तो अभी मैं उसको बाहर से वॉक करा के लाया हूँ, तो थक गया, प्यास लग रही है इसलिए। तो इस 15 अगस्त आने वाला है, तो हमारे यहाँ दिल्ली में 15 अगस्त को पतंगें उड़ती हैं, उड़नी शुरू हो चुकी हैं। इधर कल का दिन जो है खत्म हो गया था, उसके बाद जो है कुछ हमने किया नहीं ऐसा खास लाइफ में, तो फिर आज का दिन है। आज के दिन फाइल का चल रहा है वर्क फ्रॉम होम। तो गाइज हमारा जो टीवी है वो भी खराब हो चुका है, जिंदगी में सब चीजें खराब खराब चल रही है, तो हमने पुराना टीवी जो है नीचे से उठा के लिया है और उसको लगा लिया है। तो आज मैंने पहनी है अपनी गोवा वाली शर्ट, थोड़ी प्लेट को देख के आप थोड़ा अजीब मत फील करना, क्योंकि ये थोड़ा फैल फूल गया मेरे से। ये है राजमा और दलिया, एक रोटी और खूब सारी प्याज, ये है हमारा डिनर। तो गाइज इस व्लॉग को फिलहाल यहीं पे एंड करते हैं, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना आगे की वीडियोस के लिए। और कुछ आपके दिमाग में टॉपिक्स हो, कुछ आइडियाज़ हो जिन पे आप चाहते हो कि मैं वीडियोस बनाऊं, तो उनको नीचे कमेंट में लिखिए ताकि मैं उन पे वीडियोस बना सकूं। बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यहां से आगे की जर्नी के साथ, मतलब घर के अंदर ही हूं मैं तो, मतलब आगे की कहानी के साथ। बाय बाय, फिर मिलेंगे।